चलो आगे की लास्ट टाइप सी डी तीसरे तो फिफ्थ वाला टाइप है कैपेसिटेंस। उसका पहला प्रॉब्लम लेना है 34 पेज नंबर 21 पे, सॉरी 22 पे है 34। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर ए 4.5 × 10⁻⁶ जूल पहले वाले है। इफ द बैटरी इज रिप्लेस बाय अनदर कैपेसिटर, यानी वो बैटरी हटा के एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, देखो 34 वाला ठीक है। हम लास्ट वाली डायग्राम लेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी C1 + C2। C ये लिखा कि दिया है C = Q/V, तो V = Q/C, तो यहाँ Q1 और Q2 हटा के यहाँ डालेंगे इनिशियल C1 V1 + C2, ठीक है, ऐसे कनेक्ट किया उनको, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। देखो ये वाला फॉर्मूला C = Q/V, तो Q = C × V, तो Q1 Q2 की जगह C1 V1 + C2 V2 डाल दिया, और ये V पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, C1 कैपेसिटी 900 माइक्रो फैरेड, रेशियो में है माइक्रो फैरेड चल जाएगा, नहीं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में एनर्जी के टाइम। ये मीटर है ना, प्लस सॉरी पोटेंशियल कितना है वहां पे 100, देखो डायग्राम में दिया है 100, प्लस इनिशियली वोल्टेज कितना था इसका 0, कैपेसिटी 2 × 900 सेम है, तो 2 × 900, ये 900 900 कैंसिल, ये बचा 15 वोल्ट, ठीक है। तो इस पे चार्ज था, यानी कैपेसिटी है वोल्टेज है पर इस पे चार्ज नहीं था, तो ये 0 डाल दो क्योंकि वोल्टेज 0 है, बाद में उसको इसके साथ कनेक्ट किया है, तो दोनों पे अब पैरेलल होने की वजह से कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया 15 वोल्ट। यहां तक देख लो, अब कैपेसिटी का फॉर्मूला देखो, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी, दोनों पैरेलल में है, C1 + C2 और × V2, ये हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C1 900 + 900 दोनों सेम है, इंटू माइक्रो फेरेड में है दोनों, सॉरी पिको फेरेड में है, तो 10⁻², ये दोनों में से कॉमन निकाल लिया, × V2 15 उसका स्क्वायर, तो ये दो बार इसके साथ टू कैंसिल, यानी बचा 900 × E2 2500 × 10⁻², 1 2 3 4 0 गए, तो 9 × 25 × 10⁻¹। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 225, तो दो पॉइंट और लगा देते, 2.25 × 10⁻⁶ जूल्स, ये हो गई एनर्जी। बी ऑप्शन मैच हो जाए, तो पहले इस पे बैटरी लगाया था, इसको चार्ज किया है, फिर अनचार्ज दूसरा कैपेसिटर सेम वैल्यू को इसके साथ अटैच किया, बैटरी हटा दिया, तो दोनों आ गए पैरेलल में, इसलिए C1 + C2, और दोनों का कॉमन पोटेंशियल ऐसे निकाला है। देखिए तो ये हमारा 34 वाला हो गया। मिटा दीजिए, नेक्स्ट देखो 45 वाला, 45 अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज कनेक्टेड विद अ पोटेंशियल वी इन पैरेलल, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ। देखो पहले ये कैपेसिटी यहाँ लगा देते, और ये सेल लगा दिया हमने, इसकी कैपेसिटी सी है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला है ए रिंग होगा तो के नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन 0/D पहले वाले का, और ये बैटरी पॉजिटिव निगेटिव, ये कैपेसिटर होगा, ठीक है, देखते आगे क्या होगा। अ
capacitor of capacity C is connected with a battery of potential V in parallel. The distance between the plate is reduced to half, यानी distance half कर दिया. तो नई जो capacity रहेगी C1, ये C है, या इसको C1 कर दो, तो इसको C2 कर दो. So A epsilon 0, distance half कर दिया, यानी D by 2. तो D by 2 लिख लेते, तो it is A epsilon 0 upon D into कर देते, यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं twice C, इसकी value को अगर C लिखे, C1 को C, तो ये हो गया twice. ठीक है, उसके आगे देखो. The distance between the plate is reduced to half at once. Assume that the charge remains the same. Charge same है. The change, sorry. Then to change the capacitance up to the voltage V again. Voltage वापस से V लाना है. तो बैटरी को कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट केस में देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ. कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता हूँ वो रहती हाफ सी वी स्क्वायर. वो सप्लाई करता सी वी स्क्वायर. ये समझाया फिल्म द ब्लैंक में भी था, बोर्ड केस में. तो उसमें समझाया कि ये एनर्जी जो सप्लाई करता वो है सी वी स्क्वायर. हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर होती, हाफ सी वी स्क्वायर वेस्ट हो जाती. तो सेल ने अभी कितनी एनर्जी दी है? सी वी स्क्वायर. याद रखो, हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर में स्टोर होती. ये है एनर्जी जो स्टोर हो रही. ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ये फिल्म द ब्लैंक में बताया था कि टोटल एनर्जी जो सप्लाई होती वो होती सी वी स्क्वायर. हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर होती, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी लॉस होती इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो टोटल हाफ सी वी स्क्वायर लॉस मतलब सी वी स्क्वायर. अब यहाँ पे एनर्जी ट्वाइस सी है, तो ट्वाइस सी वी स्क्वायर इतनी एनर्जी सेल को सप्लाई करनी पड़ी. तो पहले सी वी स्क्वायर थी, अब ये कैपेसिटी ट्वाइस हो गई, तो हमने ट्वाइस कर दिया. तो अब एनर्जी कितनी है? ट्वाइस सी वी स्क्वायर. डिफरेंस कितना हुआ? ट्वाइस सी वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर. It will be equal to C V square. इतनी extra energy supply करनी पड़ी battery को. Battery connected है, हमने distance half कर दिया उसका. तो capacity double हो गई, capacity double हो गई, तो ये energy cell को supply करनी है. ये पहले इतनी energy supply कर रहा था, अब इतनी energy supply की है. दोनों का difference. तो ये final answer हो गया हमारा. तो याद रखना, cell जो energy supply करता है वो C V square. ठीक है? हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर में स्टोर होती, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी डिसिपेट होती इन द फॉर्म ऑफ हीट या वेस्ट हो जाती समझो. तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो रही. टोटल सप्लाई सेल कितनी कर रहा? सी वी स्क्वायर. याद रखना, किसी ने पूछा एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल? सी वी स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर. एनर्जी डिसिपेटेड यानी वेस्टेड हाफ सी वी स्क्वायर. तो हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर हो रही, हाफ सी वी स्क्वायर वेस्ट हो रही, मतलब टोटल सेल कितनी सप्लाई कर रहा? सी वी स्क्वायर. ये फिल इन द ब्लैंक में बताया था, याद रखना. तो ये हमारा 45 वाला हो. अब देखो नेक्स्ट 74. A spherical condenser having inner and outer sphere radius A and B respectively. The space between the two is filled with air. The difference between the capacitance of the two condensers formed when outer sphere is earth and when inner sphere is earth. ये formula क्या रहता है? ये बताया मैंने तुम लोगों को. ये पहला sphere, ये दूसरा sphere. Outer sphere को हम लोगों ने earth किया है. आउटर स्पीयर की रेडियस बी, इनर स्पीयर की रेडियस ए. इसका कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए इनटू बी अपॉन बी माइनस ए, या आर वन आर टू के फॉर्म में लिखा होगा. तो अभी ए बी बोला है तो ए बी के फॉर्म में लिखे. हाँ, ये नहीं लिखा है तो ये अभी बता रहा था, ध्यान रखना. अब आउटर स्पीयर ने इनर स्पीयर को अर्थ किया है, इसकी रेडियस ए और बाहर वाले की रेडियस बी वही है, छोटा बड़ा हो गया क्योंकि इसको अंदर अर्थ बता रहा था ना, पर दोनों सेम ही है. एक बार हमने बाहर वाले स्पीयर को अर्थ किया है, मान लो दूसरी बार हमने इनर स्पीयर को अर्थ किया है. तो ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है आप लोगों को, ये वाला. अब इसका याद रखना, C is equals to 4 pi epsilon 0 b square upon में वही b minus a. तो ये वही रहेगा.
ये फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया है, इसका डेरिवेशन नहीं है अपने को, अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था, स्फेरिकल का और सिलेंड्रिकल का मैंने लिखा के दिया है। पर याद रखो आउटर सिलेंडर कनेक्ट किया तो ये, इनर स्फीयर कनेक्ट किया है तो ये फॉर्मूला याद रखना। थोड़ा ही चेंज है, a इनटू b की जगह यहां b स्क्वायर है, दोनों को माइनस करना है। देखो क्या पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है ना। डिफरेंस ही पूछा है, इसको नाम देते सी वन, इसको नाम देते सी टू। सी टू माइनस सी वन कॉमन क्या निकलेगा, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन, ठीक है। इसमें ऊपर भी है, इसमें भी ऊपर भी है, तो वो बी कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में बचेगा एक बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। और इधर बचेगा माइनस फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, ए बचे और अपॉन में बी माइनस ए। तो यहाँ अपन b माइनस ए दोनों के लिए कॉमन कर देते बेस से, और यहाँ b माइनस ए, तो ये b माइनस ए कैंसिल, तो बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू b डिफरेंस c2 माइनस c, तो ये याद रखो, ये यहाँ लिखा है। तो देखो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा, c वाला। ये फॉर्मूला याद रखना, ये लिखा के दिया है, अब ये पूछा है तो पता नहीं, याद रखना। देखो नोट डाउन करो, 74 वाला हो गया। नोट डाउन कर लो, तो इसको मिटा दिया। ये हमारा 74 वाला क्वेश्चन, चेंज करना बता रहा, क्या चेंज करना है, फिर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, नो नोट करना। 108 सुनना क्या लिखा है, टू मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेडाई 1 सेंटीमीटर, रेडाई 1 सेंटीमीटर, फिर लिखना है एंड रेडाई 2 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग दो लिखता, तो 1 सेंटीमीटर लिखा है एंड 2 सेंटीमीटर उसमें नहीं आया है, तो आपने 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कर लेना। फिर से सुनो, टू मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेड आई 1 सेंटीमीटर एंड, ये लिखा नहीं है एंड 2 सेंटीमीटर, ये लिख लेना 2 सेंटीमीटर। गिवन चार्ज, दोनों पे चार्ज दिया है इनिशियल, इस पे चार्ज है Q1 10^-2 कूलम, और इस पे Q2 5×10^-2 कूलम। इफ दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर विल बी, तो देखो इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज बड़े वाले स्फीयर पे Q2, इन दोनों को वायर से कनेक्ट किया, तो चार्ज इधर से इधर है, किधर से भी फ्लो होंगे, कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसका फॉर्मूला लिया है, नया चार्ज Q1 छोटे वाले स्फीयर पे निकालने के लिए बोला है, तो Q1 निकाल दे, इसमें पहले Q1 था, बाद में ट्रांसफर के बाद Q1, ये फॉर्मूला यूज भी किया है डिफिकल्टी में। टोटल चार्ज इनिशियली R1 अपॉन R1 प्लस R2, टोटल चार्ज यानी इन दोनों के एडिशन, 5+1 यानी 6×10^-2 रेडियस R1 यानी 1 डिवाइडेड बाय नीचे इन दोनों के एडिशन 2+1 3, तो 3×2 यानी 2×10^-2 कूलम, इतना चार्ज रहेगा स्मॉलर स्पीयर पे, वही चार्ज डिवाइड होगा दोनों इस पे। अगर किसी ने पूछा बड़े वाले स्पीयर पे इस पे कितना रहेगा वो बताओ, तो फिर हम लोग वो भी निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से, Q2′ = Q×R2/R1+R2, सो टोटल चार्ज वही 6×10^-2 × radius 2 डिवाइडेड बाय फिर से वही 2+1, तो इट इज 2×2 = 4×10^-2। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पर अगर फिर से इन दोनों की एडिशन देखेंगे तो इन दोनों की एडिशन जितना ही आएगा, सेम चार्ज था खाली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता। अपने को अभी तो फिलहाल यही आंसर है, छोटे वाले स्पीयर पे कितना चार्ज है वही पूछा है, तो ये हमारा आंसर है। बड़े वाले को पूछा होता तो ये
ठीक है। तो देखो 5 प्लस 1 6 इंटू 10 एस टू माइनस 2 टोटल, इधर देखेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 10 एस टू माइनस 2 टोटल वही है, सिर्फ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, बस इतना याद रखना। तो अभी तो यही करना था, ये नहीं करना है, फिर भी देखो। तो 108 में एक रेडियस दिया है एंड करके दूसरी रेडियस लिखना वहां पे 2 सेंटीमीटर और फिर सॉल्व करना। तो वहां पे वो टाइप भी हुआ 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 108। इसको मिटा दें, 108 हो गया हमारा। It is 116. 116. Which word? 116. Two insulated metallic sphere, 3 microfarad and 5 microfarad capacity C1, C2, Bi. Voltage diya hai unke respectively. The energy loss when they are connected by the wire. So, ye pehla sphere, ye connect kiya wire se dusre sphere ke saath. To dono series mein. तो एनर्जी आएगा हाफ दोनों सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V2 माइनस V1 पोटेंशियल का डिफरेंस उसका स्क्वायर। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, कैपेसिटी C1, कैपेसिटी C2। तो इसको सॉल्व करते हैं, हाफ C1 की देखो वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 इंटू C2, 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, 3 5 है, 116, 3 और 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 प्लस 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 और वोल्टेज देखो 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 3 15 इंटू 10 रेस टू ये माइनस 12, नीचे प्लस है दोनों की एडिशन, 5 प्लस 3 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 ये कॉमन है और ये 200 बचेगा, 2 इंटू 10 रेस टू 2 उसका स्क्वायर। तो ये तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, इजी हो गया। ये तुम लोग आंसर निकालो, देखो कौन सा आंसर मैच होता है। इसका आंसर आएगा 3.75 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। तुम लोगों ने सिंप्लीफाई कर देना तो सी ऑप्शन मैच हो जाएगा आप लोगों का। स्क्वायर करके लिख दिया पर मैंने स्क्वायर यहां पे भी दिया तो 2 ही लिखना, फिर कैंसिल कर दो उसको। तो ये सॉल्व कर ले, ये देखना 200 चाहिए था तो मैंने स्क्वायर करके 2 का 4 लिख दिया था, इसका भी स्क्वायर लिख देना था पर यहां मैंने टोटल स्क्वायर डाल दिया तो 2 ही लिखो एक बार, फिर इसको सिंपलीफाई करके तो ये आंसर यानी सी ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 116। ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये 116 कैलकुलेशन आप लोगों को करने हैं, इजी है कर लेना। नेक्स्ट देखो 120 ये टाइप का लास्ट अ बॉडी सॉरी हाँ ठीक है अ बॉडी ऑफ capacity 4 microfarad is charged to 80 volt and another body of charge 6 microfarad is charged to 30 volt. When they are connected, the energy lost by 4 microfarad की कितनी energy lost की हमको निकालना है। तो पहले उसकी energy निकाल लेते हैं initial।
half C1 V1 square, half capacity कितनी है उसकी 4 into 10 raised to minus 6 into voltage कितना है उसके across 80 का square. जैसे किया था दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का है सीरीज में, तो अब कॉमन पोटेंशियल निकालना है. एनर्जी निकाल लेंगे यहां पर, ठीक है. पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्या आएगा, हाफ सीरीज में है C1 into C2 upon C1 plus C2 into कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं. एनर्जी थोड़ा लेंथी लगता है, पोटेंशियल निकाल लेते हैं पहले. कॉमन पोटेंशियल C1 V1 plus C2 V2, अभी लिखा था C1 plus C2, वो जो लिख रहे थे वो एनर्जी का. देखो ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एनर्जी का, हाफ C1 into C2 upon C1 plus C2, और ये कॉमन पोटेंशियल V2, तो V2 की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं, पर पहले निकाल लो उसे दोनों सीरीज में, तो पहले ये सॉल्व करके फिर ये करें. तो C की वैल्यू भी माइक्रोफैरड में रखो, क्या है 4 और 6, 4 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 पर प्लस 4 यानी 10. तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, 8 4 32 प्लस 6 3 18 यानी 50 वोल्ट. नाउ हाफ energy U is equals to half C1 C2 upon C1 plus C2 into V square. So it is half C1 की value 4 into 10 raised to minus 6. कौन देखो आगे चल रहा है. अच्छा ये चेंज करो, उसमें अपने को टोटल एनर्जी का कोई मतलब नहीं, टोटल एनर्जी निकालने का कोई काम नहीं है, कॉमन पोटेंशियल निकालने वही बहुत है. इससे आप लोगों को टोटल एनर्जी मिल जाएगी, पर उसका कोई काम नहीं है अभी हमारे को. हमारे को सिर्फ क्या पूछा है कि सिर्फ जो 4 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है उसका एनर्जी का कितना लॉस हुआ है वो दिखाना है. तो इसकी इनिशियल एनर्जी ये निकल गई, फाइनल एनर्जी ये वोल्टेज लेके निकालो, वोल्टेज चेंज हुआ है तो अपने को पूरी एनर्जी निकालने की जरूरत है. फाइनल एनर्जी निकालो डायरेक्ट, हाफ सी नया पोटेंशियल कॉमन वी स्क्वायर, यहां भी वन लिखा था नया पोटेंशियल वी, पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है. हाफ कैपेसिटी 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 ये, और नया वोल्टेज स्क्वायर 2500. तो ये 2 कैंसिल, ये आया 500 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, 5000 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, इसके जैसे ही अरेंज करो उसको. ये गया 10 रेस टू माइनस 3, तो यहां लिख लेते 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. यहां लिखा क्या आ रहा था, 5 और इंटू 10 रेस टू माइनस 6, तीन चार डिजिट शिफ्ट किए तो माइनस 2. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आप लोगों को आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, 0.78 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, माइनस कर देना दोनों को, तो 7.8 मिली जूल. ये ऑप्शन मैच हो जाएगा, इसको आप अरेंज करके लिख लो, 7.8
7.8 एक पॉइंट शिफ्ट किया 10^-3 जूल या 7.8 मिली जूल। तो यहां मैंने फाइनल एनर्जी का निकाल लिया था, वो छोड़ देना, फाइनल एनर्जी निकालने का कोई नहीं है। अपने को पूछा है 4 माइक्रोफेरेड के लिए खाली, तो 4 माइक्रोफेरेड की पहले एनर्जी इतनी थी, जब कॉमन एक दोनों को कनेक्ट कर दिया तो कॉमन वोल्टेज ये हो गया, वोल्टेज पहले 80 था अब वोल्टेज 50 हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली एनर्जी का लॉस हुआ। तो उसी की एनर्जी निकालो फाइनल, उसी कैपेसिटर की फर्स्ट वाले की, पहले C1 V1 था अब C1 into V, अब ये आंसर मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो लॉस पता चल जाएगा। तो मैं वो जो निकाला था वो फाइनल एनर्जी का बता दिया था, पर अपने को उसी एक कैपेसिटर का डिफरेंस निकालना है, फाइनल एनर्जी का नहीं करना है आप, ध्यान रखो। मेरे को लगा फाइनल एनर्जी निकालना है, फाइनल एनर्जी नहीं निकालना है, दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। 4 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उसकी इनिशियल एनर्जी, बाद में फिर हमने कनेक्ट किया तो कॉमन पोटेंशियल ये मिला, अब सिर्फ उसकी ही सेकेंड एनर्जी निकाल लो फाइनल, जब कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया 50, ये देखो 50 लिखा है उसका स्क्वायर, तो तब माइनस कर लो आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वन टाइम, फर्स्ट टाइप हमारा जो सॉरी फर्स्ट पूरा फिफ्थ टाइप कंप्लीट हो गया। तो ये याद रखना, यहां से मैंने बदल दिया, वो जो हमने लिखा था वो टोटल एनर्जी का था दोनों की साथ में, पर हमारे को सिर्फ एक ही कैप बॉडी के लिए कैपेसिटर वर्ड नहीं यूज किया, बॉडी बोला है तो एक ही बॉडी के लिए यूज करना है। तो 4 माइक्रोफेरेड वाले बॉडी की पहले ये एनर्जी थी, बाद में कॉमन पोटेंशियल निकाल के उसी की ये एनर्जी थी, बाद में दोनों को माइनस कर, बस सेकेंड वाले को उसमें निकालना नहीं था, तो टोटल एनर्जी निकालने का कोई मतलब नहीं। चलो नेक्स्ट ले रहे हैं 41, टाइप 6 का 41, यानी ग्रुपिंग द कैपेसिटर वाले। तो डायग्राम आप लोग सामने देख लो, मैं उसको थोड़ा अरेंज करके बना रहा था, समझ में आने के ये पॉइंट है हमारा ए और ये हमारा पॉइंट है बी। अब इसको यहां से हटा के ऐसे एक्सटेंड करके इधर बनाया हुआ है ऐसा, बस तो हम इसको यहां से इधर ला लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ब्रांच हमने सीधी कर दी है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, तो इसकी वैल्यू है 4, ये 1 माइक्रोफेरेड भी है, ये 2 और ये 2, देखो तो ये ब्रांच ऐसे थी, हमने उसको ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब पैरेलल का पता है आप लोगों को, सीरीज का भी पता है, तो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, तो इन दोनों का आंसर सॉल्व करेंगे अब सेम है, तो 2/2 यानी 1, ये बचेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट डायग्राम, ये हमारा ए और ये हमारा पॉइंट बी, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1 और इन दोनों की भी वैल्यू 1, अब 1 और 1 पैरेलल में 2, तो ये फिर सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसे होगा, ये 4 पहले और इन दोनों के एडिशन 1+1 पैरेलल में 2, अब इनका आंसर निकाल लो सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला 4 × 2 दो वाले के लिए, अच्छा या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, सीरीज का 1/CS इज 1/C1+1/C, इससे सॉल्व करो, ये डायरेक्ट CS वाला फॉर्मूला लगा लो दो वाले का, C1 × C2/C1+C2, तो 4 × 2 8/4+2 6, तो इट इज 4/3 आंसर आएगा, 4/3, तो ए ऑप्शन मैच हो जाएगा 4/3 माइक्रो फैरड। तो देखो पहले ये ब्रांच सीधी किया वो बताया, इन दोनों को सीरीज में लो तो दोनों सेम है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लो 1, 2, एक की वैल्यू डिवाइडेड बाय दो कैपेसिटर टू 2 यानी 1, ये 1 और 1 पैरेलल में यानी इनका आंसर हो गया 2 और ये 4 सीरीज में, तो दो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज करो C1 × C2/C1+C2 या इस वाले को फॉर्मूले से भी किया तो चल जाएगा, वो आंसर आएगा 4/3, रिवर्स करना मत भूलना, ये वाला कौन CS का आंसर निकलेगा, यहां डायरेक्ट CS का आंसर निकल जाएगा। हमारा हो गया 41, उसके बाद हमारे को लेना है 44, एक मिनट उसकी डायग्राम बना लेना फिर शुरू करते हैं 44 वाला।
अब देखो हमने वैल्यूज लिख दी है और डायग्राम बना लिया। अब मैं मायन्यू चेंज कर रहा हूँ उसमें, वो ध्यान देना। इसको छोड़ो, इन दोनों को देखो, ये यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों सीरीज में है, तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये 12 को हटा के यहाँ बना रहे हैं। तो आप लोगों ने चेंजेस करते जाना वीडियो में, देख देख ना। मैं अभी वैसे ही लिख रहा डायरेक्ट, तो ये यहाँ पे था तो हमने उसको यहाँ इमेजिन कर लिया, एक ही लाइन में है वो, ठीक है, देख लो। या आप इसको यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर देंगे तो भी चलेगा, ऐसा वो ब्रांच यहाँ क्या और यहाँ क्या, एक ही बात है, चाहे तो वहां रखना है तो वहां रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 को इधर, तो ये दोनों सीरीज में, तो इनका आंसर निकाल लेते पहले, ध्यान दो। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो सीरीज में अभी बताया था, चाहे आप फॉर्मूले से निकालो, C1 अपॉन C2, या डायरेक्ट दो इसका याद रहता होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये आएगा C1 इंटू C2 एंड अपॉन में C1 प्लस C2, तो वो हमने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता है, हाँ ध्यान देना, वहां क्या कर रहे हैं, A6 इंटू 12, 6 और ये यानी 18, 6 3, और ये आंसर बचेगा फिर 4। इन दोनों को हटा रहे हैं, वाह, इन दोनों को हटा रहे हैं, तो यहाँ जो आया उसका आंसर है 4 माइक्रो फैरड। अब इतना देख लो पहले, तो यहाँ के दो हटा दिए हम लोगों ने, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, एक कैलकुलेशन हटा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों, ये और ये दोनों भी गए पैरेलल में, 2 और 2 पैरेलल में, तो इसको यहां से हटा देते हैं और इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4, 2 और 2 पैरेलल में 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 4 और ये 4 पैरेलल में, तो हम इन दोनों को किसी एक को हटा दो, इसको हटा देते हैं, तो 4 और 4 पैरेलल में थे, तो इसका आंसर हो गया 8। धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको, हाँ, एक 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 एक। अब ये 1 और ये 8 सीरीज में है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, सो इट इज 8 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको हटा देते और यहां लिखेंगे ए की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 9। अब इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करो उसी फॉर्मूले से, सीरीज में है दोनों, 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 3, यानी 8 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को हटा दो, यहां लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 3, इतना समझेगा। ये जो है ए बी, इसका आंसर 1 माइक्रोफेरेड दिया है, सी की वैल्यू निकालना है, तो हम धीरे धीरे डायग्राम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हटा देते, देखो समझ में आएंगे। अब नहीं ध्यान में आया तो वापस एक बार थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, एक एक स्टेप ही हटाया है अपन ने। नाउ अब ये दोनों का है पैरेलल, तो एडिशन कर लेते सीधा सीधा, 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस, इसमें 9 करेंगे तो ये हो गया 24, सो इट इज 32 डिवाइडेड बाय 9, तो एक को हटा देते यहां से। अब ये इसका आंसर लिख लेते, 32 डिवाइडेड बाय 9। अब ये और ये देखो आए में है सीरीज में, आ गया ना, और सीरीज का आंसर ये आना चाहिए, तो सी की वैल्यू निकालना है देखो। तो अब देखो उसको लिखते, इक्विवेलेंट CAB इज इक्वल C इंटू C1 इंटू C2, यानी 32 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी C प्लस 32 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को सी का आंसर मिल जाएगा। करते उसको, ए इसकी वैल्यू है 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वही बचेगा, C 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 32 C डिवाइडेड बाय 9। सी को उधर शिफ्ट करो तो ये हो गया -C, सिंप्लीफाई करो उसको, 9 और ये 32, ये आएगा 23 C अपॉन 9, यहाँ पे अपॉन 9, 9 9 कैंसिल, सो इट इंप्लाइज C विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 23, तो
तो यहाँ पे उन्होंने एक का नंबर दे दिया है सी वाले का, बोला सी की वैल्यू निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया है ए बी के बीच में ये, तो फाइनल जब बचे दो तो हम दोनों ने इसको क्या लिया है सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला लगाया रिजल्ट का बिटवीन ए एंड बी, इट इज C1 into C2 upon C1 plus C2, और उसको सिंप्लीफाई करके जो C की वैल्यू मिसिंग थी वो निकाल ली। देखिए तो ये हमारा हो गया 44 होगा। एक 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 सिंप्लीफाई किया है स्टेप्स देख लेना। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड के अरेंज कर दें, आंसर मिलना चाहिए 5 माइक्रोफेरेड, 5 चाहिए ना, 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर यूज करना है और रिजल्टेंट लाना है अपने को 5 माइक्रोफेरेड। तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, देखो पहले ये 2 और ये 2, तो ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड, तो ये दो पैरेलल में, मतलब आंसर हो गया 4, हमारे को चाहिए 5, तो हम यहाँ पे एक अरेंजमेंट ऐसे कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, दो और दो सीरीज में, यानी इनका आंसर आएगा 1, फिर ये और ये पैरेलल में 2 प्लस 2 प्लस इन दोनों का आंसर 1, यानी हो गया 5, बस ऐसे कर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो 2 2, एक ये एक ये एक ये एक और ये भी एक, इनके बीच में देखो ये 2 और ये 2 सीरीज में, यानी आंसर आएगा 1, इनका भी 1, इनका भी 1, इनका भी 1, इनका भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी टोटल हो गया 5। ऐसे भी बन सकता था पर उन्होंने मिनिमम वाला पूछा है, इसलिए हमने एक 2 लिया है, एक 2 लिया है और यहाँ 2 और 2 सीरीज में लगाया, तो 2 और 2 सीरीज में आंसर आया 1, 2 2 1 पैरेलल, यानी आंसर आ गया 5। तो 2 2 के यूज करके अपने को 5 आंसर लाना था, मिनिमम 4 लगेंगे। ये नहीं, ये तो मैंने बताया ऐसे भी बना सकते थे अपना, तो ठीक है ये पर ऐसे बनाएंगे वो मिनिमम 4 लगेंगे उसमें। ये हमारा हो गया 50। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस 2, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ है ईएमएफ 2.5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 और 1 सीरीज में थे तो डायरेक्ट 2 ओम का बनाना, ये है 2 ओम, ये है कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड का और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है देखो सेल का, तो उसको यहाँ बना लेते 0.5 ओम साइड में बना लिया उसको। ये 1 और 1 2 थे, हमने 2 कर दिया। अब ध्यान रखो जब डीसी इसको अप्लाई करेंगे, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, याद रखना कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा। देखो एक्स सी इट इज 1/2πfc, फ्रीक्वेंसी 0 डीसी के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ऐसे डीसी में, फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्स सी की वैल्यू इनफाइनाइट, इट ब्लॉक्स डीसी, याद रखो। तो जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो एक बार हम इसको हटा देते हैं, करंट इधर से जाने नहीं वाला, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा करंट इधर से जाएगा, तो कितना करंट जाएगा वो निकाल लो, जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल ई 2.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस
इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, 2.5, ये भी 2.5, यानी 1, करंट जा रहा 1 एम्पियर, तो यहाँ वोल्टेज कितना है, V is equals to IR, करंट है 1 और रेजिस्टेंस है 2, तो यहाँ 2 वोल्ट है, तो यहाँ 2 वोल्ट है, समझा है 11th में, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ईएमएफ है, बचा हुआ 0.5 का ड्रॉप होगा पोटेंशियल यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ है 2 वोल्ट, अब मैं वापस वो कैपेसिटर बना, तो अब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पर यहाँ से करंट नहीं जा रहा, अब वोल्टेज यहाँ पे है 2 वोल्ट, अब हमारे को क्या निकल रहा है वो देखो, वहां पे चार्ज निकाल रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया कितना मिला है 2 वोल्ट, तो कैपेसिटी C is equals to Q upon V, तो Q is equals to कैपेसिटी है 5 माइक्रोफेरेड, 5 into 10 raised to minus 6 into वोल्टेज है 2, so it is 10 into 10 raised to minus 6 कूलम, 5 to 10 या 10 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, तो इतना चार्ज रहेगा, तो याद रखना करंट इधर से फुल्ली चार्ज हो गया, फिर करंट इधर से नहीं जाएगा, तो करंट इधर से जाएगा, तो हमने इधर से ब्लॉक हो गया, वो यहां से करंट नहीं जाएगा, यहाँ का वोल्टेज निकाल लिया 2 वोल्ट आया, उतना ही वोल्टेज अब इसके अक्रॉस, क्योंकि दोनों पैरेलल है, वोल्टेज पता है, चार्ज निकाल लो, ओम्स लॉ लगा, सॉरी तो कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा के C = Q / V, देख लो, तो ये हो गया हमारा 66 वोल्ट। अब ले रहे हैं 92 वाला ले पेज पढ़ना 92। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज द डाइइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस सी। अच्छा उसको सीधा बनाओ ऐसे, वो मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ऐसे आड़ा बनाते ही ऐसे बनाएंगे, ये है हमारी थिकनेस t, या इसको हम d से डिनोट करते तो d लिखेंगे, पहले पूरा एयर है तो इसका अभी फॉर्मूला आएगा c is equals to a epsilon 0 upon d, थिकनेस t लिखना चाहते हैं तो t भी लिख सकते हैं, ये ऐसे बनाना है, उन्होंने ऐसा आड़ा बनाया है और थिकनेस t लिखा है, तो थिकनेस हमारे को जैसे है वैसे निकालना है, फिर ये होगी फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, सेम वैसे ही बनाना है, यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया इतना K, जिसकी वैल्यू है K, ये इतना, अब देखो उन्होंने क्या बोला आगे, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड हैविंग द सेम थिकनेस, थिकनेस वही थी, ये उसकी थिकनेस वही है, फिल 1/4 ऑफ द कैपेसिटर, इसने 1/4 फिल किया है, इसकी कैपेसिटी हम लोग लिखेंगे C1 = टू A, K, epsilon 0, क्योंकि डायलेक्ट्रिक मटेरियल आ गए, यहाँ एयर था इसलिए नहीं लिखा हमने, अपॉन में B, तो अब यहाँ A लिखने की जगह हम लोग लिखेंगे A by 4, A by 4, K, epsilon 0, क्योंकि 1/4 पार्ट में है, तो एरिया भी कितना हो गया 1/4, अब बचे वाले में क्या है एयर, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे C2, अब A by 4 गया तो बचा कितना एरिया 3 A by 4, एयर के लिए K की वैल्यू 1, एप्सिलॉन 0 अपॉन d, तो पहले पूरे इसमें एयर थी यहां पे, तो एरिया A था, एप्सिलॉन 0 अपॉन d, K की वैल्यू नहीं लिखे, अब A by 4 यानी 1/4 पार्ट में हमने ये डाला है, तो A by 4 कर दिया, बचा हुआ पार्ट 1 by 4 चले गया, तो बचा कितना है 3 by 4 A, अब ये और ये पैरेलल में है तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी, ये भी C1 plus C2 कॉमन निकलेगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ए गया तो वो यहां बचा है 1/4, फिर यहां पे बचा है 3/4 और सॉरी के भी बचा है प्लस 3/4, ए कॉमन, तो फिर हम निकाल लेंगे ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी और साथ में निकल जाएगा 4 उधर निकाल लेते, ये बचा है के प्लस 3 और अपॉन में 4 कॉमन निकल लिया, या 4 वही लिख लो अपॉन में एक बार, ये अपॉन में 4 सेम है दोनों का, अब इसको खाली अरेंज करना है जैसे उन्होंने पूछा है, तो ले रहे 92 और 92, हाँ
सी का पहले फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, तो ये देखो ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे फाइनली ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी की जगह हम लोग लिख लेंगे सी, ये इनिशियल वैल्यू, फिर ये फोर बाजू में कर लो डिवाइडेड बाय फोर और ब्रैकेट में बचेगा के प्लस थ्री, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और वो ए ऑप्शन के साथ मैच हो गया। देख तो पहले पूरी एयर थी तो एयर का फॉर्मूला, फिर यहाँ वन फोर्थ पार्ट में डाला है तो यहाँ ए बाय फोर कर दिया, यहाँ बचा कितना है थ्री बाय फोर पार्ट ये रहा, तो के यहाँ क्यों नहीं लिखा क्योंकि ए है, फिर दोनों पैरेलल में है देखो ये और ये तो ऐड कर, फिर यहाँ ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी को सी लिख दिया इनिशियल वैल्यू और ये फोर बाजू में कर दिया वन फोर के प्लस थ्री बाय सी, तो ये हो गया हमारा लाइन भी। All the six capacitors shown are identical. Each can withstand 200 volt between its terminal. The maximum voltage then can be safely applied. तो ध्यान दो, हम डायग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं, बस इतना। तो यहाँ एक दो तीन पैरेलल में है, तो तीनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 3C और यहाँ वैल्यू बचेगी 3C। अब यहाँ तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज चाहिए कितना 200 volt, इन तीनों के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज चाहिए 200 volt, यानी आप लोग टोटल कितना वोल्टेज लगा सकते हैं 200 प्लस 200 यानी 400। देखो उन्होंने क्या बोला है, एक जो कैपेसिटर है वो 200 वोल्ट लगा सकते हैं आप उसको, तो यहाँ एक दो तीन थे पैरेलल में तो वोल्टेज सेम है, एक के अक्रॉस 200 है, अब इधर जो एक है उसके अक्रॉस भी 200 है, तो 200 प्लस 200 यानी टोटल वोल्टेज आप कितना लगा सकते 400। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस जितनी है उतनी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3C लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये इसको चाहिए 200 तीनों के अक्रॉस सेम यानी 200, इसको चाहिए 200 तीनों के अक्रॉस सेम क्योंकि तीनों पैरेलल में 200, तो 200 प्लस 200 सीरीज में होने की वजह से टोटल आप लगा सकते सेफली 400 ऐसे भी चलता। तो यहाँ ये हमारा टाइप और ये चैप्टर खत्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो है वो फटाफट करके उसके नेट डाली है मैंने ग्रुप में, तो वो सॉल्व करके सभी भेजो, तो फिर मैं देखता कौन से टाइप का कैसे अरेंज करके लेना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन कम्प्लीट हो गया बेटा, बहुत कम लोगों ने डिफिकल्टीज भेजी है, बाकी लोगों ने नहीं भेजी है, तो जिन्होंने नहीं भेजा उसका क्या कर सकते, डेट डाला है सब कुछ किया है, ऑनलाइन है ही, ऑफलाइन होता तो वो तो कंपलसरी हो जाता है कि उस दिन करके ही लाना है, आपको कर नहीं रहे तो उसको कैसे करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के सबने करना है और डिफिकल्टी सेंड करो।